अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी सुबह का 6 बज रहा है और घर के सभी लोग उठ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं टहलने के लिए। तो दोस्तों, अभी ठंड का दिन आ गया है तो सुबह सुबह ठंड लगता है। तो चलिए दोस्तों, पहले टहल कर आ जाते हैं, फिर आग तपाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग धान का मिसाई किए हैं तो उसका पैरा खेत में ही है। तो चलिए दोस्तों, टहल के आते टाइम पैरा भी लेकर आएंगे साथ में, फिर उसी को जलाकर आग तपाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यही है हमारा पैरा। और अभी ठंड के वजह से शीत वगैरह बहुत ही ज्यादा पैरा में पड़ा हुआ है, तो मैं अंदर साइड का पैरा को निकाल के ले जाऊंगी। तो दोस्तों, अंदर साइड का पैरा सूखा हुआ है तो अच्छे से जलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में इतना ही पैरा पकड़ने के लिए बना। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं घर के पास, फिर सभी को आग तपाएंगे। तो दोस्तों, इधर रोशनी के दादा पैरा का इंतजार ही कर रहे थे, वो माचिस वगैरह पकड़ के खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पैरा में आग लगाते हैं, फिर सभी लोग मिलकर आग तपाएंगे। और दोस्तों, ऐसे ठंड के दिनों में सुबह सुबह आग तपाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इसी तरीके से सुबह जल्दी उठकर सभी सहेली लोग पैरा लाके आग जला के सिखाते थे। तो ये देखिए दोस्तों, कल सासू अम्मा धान के खेत में गए थे तो गिर गए थे पैर में, तो इनका पैर में यहाँ पे मोच आ गया, थोड़ा सा फूला भी हुआ है इनका अंगूठी सब। अभी आपका पैर का दर्द कम है। तो दोस्तों, रात को हल्दी और चूना गरम करके छाबे थे पैर में, तो अभी थोड़ा सा दर्द कम हुआ है और ये धीरे धीरे करके ही छूट जाएगा। तो ज़्यादा मत चलिएगा अम्मी, नहीं तो फिर से पैर आपका बिगड़ जाएगा ना। आराम कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आग तपाते तपाते आग भी ख़त्म हो गया है और घर का काम भी बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब घर चलते हैं काम करने। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम हो गया है और चलिए चलते हैं अब नाश्ता बनाने के लिए। तो दोस्तों, उस दिन जो मैं गेहूं धो के सुखाई थी वो भी अच्छे से सूख गया है, तो उसका आटा भी पिसा चुकी हूं। तो चलिए उसी का छिलका रोटी बनाऊंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बाहर वाला किचन में नाश्ता बनाऊंगी और ठंड के दिनों में चूल्हा में ही बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं लकड़ी ले लेती हूँ और चूल्हा में नाश्ता बनाते बनाते मैं आग भी तपा लूंगी तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आग जला लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बेला हुआ रोटी नहीं बना रही हूँ और आज मैं गेहूं आटा का छिलका रोटी बना रही हूँ। बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आटा इस बार का बहुत अच्छा पिसाया हुआ है, तो ज़्यादा आटा का चोकर वगैरह नहीं निकल रहा है। और आटा का घोल बनाने के लिए मैं पानी ले ली हूँ और 2-4 मिर्चा ले ली हूँ इसमें डालने के लिए। तो दोस्तों, मैं इसमें 1-2 मिर्च काट के डाल दूंगी, ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी, नहीं तो बच्चे लोग को भी तीखा लगेगा। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला के अच्छे से इसका घोल बना लूंगी। और दोस्तों, आप लोग गेहूं आटा का छिलका रोटी कैसे बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, गेहूं आटा का घोल भी बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए तावा गर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, तावा भी गर्म हो गया है तो चलिए अब बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सुरुबार का छिलका रोटी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए सभी रोटी को इसी तरीके से बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आटा का छिलका रोटी को बना लेते हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं छिलका रोटी में खाने के लिए टमाटर का चटनी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं टमाटर को आग में भूंज लेती हूँ और टमाटर को ऐसे भूंज के बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है चटनी। और इधर देखिए दोस्तों, बुलबुल भी पहला वाला रोटी को खा रही है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये
देखिए दोस्तों, पूरा छिलका रोटी बन के रेडी हो चुका है और सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब मैं ही बची हूँ, तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ। और ऐसे आंगन में आधा धूप आधा छांव में बैठ के खाने से और भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मेरा नाश्ता हो गया है और आज का टमाटर चटनी बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम देहाती टमाटर था इसी के वजह से। तो चलिए दोस्तों, सुबह के काम के वजह से मैं बिस्तर को नहीं उठाई हूँ, तो अब मैं बिस्तर को उठा लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा बिस्तर वगैरह हो गया है ठंड के वजह से, कम्बल वगैरह भी निकाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नहाने धोने के लिए। थोड़ा बहुत कपड़ा है तो मैं उसको धो लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरे को जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह धो के नहाना है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे गांव में मामा ससुर के यहाँ 11वीं शरीफ का मिलाद करवा रहे हैं, तो वहीं जाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा धुला चुका है, तो चलिए इसको धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए, फिर जल्दी से नहा धो के मिलाद में जाएंगे। तो दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और हमारे मामा ससुर के यहाँ आज मिलाद शरीफ का दावत आया है और अभी 11वीं शरीफ चल रहा है, तो उसी का मिलाद करवा रहे हैं 11वीं शरीफ का। तो दोस्तों, अंदर साइड सभी लोग तैयार हो रहे हैं, सासू अम्मा लोग भी, तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे, फिर मिलाद शरीफ के लिए चलेंगे सबको। तो अब मिलते हैं मिलाद शरीफ से आने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मिलाद शरीफ से हम लोग आ चुके हैं घर, और आज मिलाद शरीफ का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लंबा चला, तो आते आते हम लोग को लेट भी हो गया और ये देखिए शाम भी होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर घर का काम करेंगे। दोस्तों, मिलाद शरीफ से आने के बाद थोड़ा सा मैं आराम कर ली हूँ, तो चलिए दोस्तों अब रात के लिए खाना सब्जी बना लेते हैं। दोस्तों, आज घर में भी कुछ सब्जी वगैरह नहीं है, तो मैं आज आलू का भुंजिया ही बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आलू काट के रखी हूँ और आलू का भुंजिया और टमाटर चटनी मैं बनाऊंगी रात के खाने में, और चावल मैं बना चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ आलू का भुंजिया ही बना रही हूँ, अब मसाला वाला सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर में गोश्त पुलाव खा के आए हैं मिलाद शरीफ से, इसी के वजह से बच्चे लोग को भी खाने का मन नहीं है अभी मसाला वाला सब्जी। तो चलिए दोस्तों, अभी सिंपल आलू का भुंजिया बना लेते हैं, और अभी भी एक के घर में मिलाद था तो वहाँ से बिरयानी लेकर आए हैं, वो भी है। और इधर देखिए सासू अम्मा लोग क्या कर रहे हैं, सासू अम्मा इधर तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबका खाना निकल चुका है, तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह करो। तो दोस्तों, हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं और आज का बिरयानी भी बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो वहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।